जय जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे चार ऐसी इम्पोर्टेंट फूड आइटम्स के बारे में, ऐसी चीजों के बारे में जो अगर आप खाते हैं तो आपको जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द या घुटनों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जॉइंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, सूजन आ रही है, उसमें दर्द बना हुआ है या कटकट की साउंड आ रही है, तो उन सभी प्रॉब्लम्स में आपको राहत मिलेगी और धीरे धीरे करके ये जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और ये न केवल आपके जोड़ों के दर्द को ठीक करेगी, आपके दिल और दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी चीजें हैं। तो इन्हीं चारों चीजों के बारे में बात करेंगे, कैसे आपको मदद करेगी, लेने का सही तरीका क्या है, किस समय आप इसको लेकर बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं, इसी के बारे में वीडियो है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक मेरे साथ रहिएगा ताकि वीडियो का आप पूरा लाभ ले सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे चैनल का पूरा लाभ ले सके। तो ज्यादा बात ना करते हुए सबसे पहली जो चीज है जो आपको जोड़ों के दर्द में भी आराम देगी, दिल और दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी है और आपकी ओवरऑल फुल बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करती है, उस चीज का नाम है अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स। ये न केवल आपको अर्थराइटिस में आराम देता है, न केवल रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आराम देता है, न केवल ऑस्टियोआर्थराइटिस में आराम देता है, गाउट की अगर समस्या है तो भी बहुत अच्छी चीज है ये। आपके शरीर के किसी भी भाग में अगर सूजन आई हुई है और उसकी वजह से आपके शरीर में दर्द है तो फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छी काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है आपकी हर तरह की सूजन को मिटाने में। इसके अलावा इसके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर होता है तो ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है, साथ ही साथ ही खून को पतला करने का भी काम करती है और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हुए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो पेट साफ करने का भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा क्या है, ना केवल आपके खून को पतला करती है, ना केवल कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है बल्कि आपके वजन को घटाने में भी बहुत अच्छी साबित हो सकती है क्योंकि बहुत फाइबर होता है। तो अगर आप इसको खाते हैं तो आपको भूख कम लगती है और आपका अनशन खाना जो है, बहुत ज्यादा खाना जो है, छोटे छोटे जो स्नैक्स है जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं वो बार बार छोटी छोटी सी जो भूख है वो ज्यादा नहीं लगेगी और आपको एक फुल सेटाइटी का अनुभव होगा और आपका डाइजेशन भी दुरुस्त होगा और वजन घटेगा तो आपके जो जोड़ों का दर्द है वो भी कम होगा क्योंकि ओबेसिटी जहां होती है वहां पर जोड़ों का दर्द आने की भी संभावना ज्यादा रहती है और जब ओबेसिटी होती है तो जोड़ों का दर्द आने के साथ साथ बढ़ने की भी संभावना होती है तो वजन घटाने में भी ये बहुत मदद करती है। अब इसको लेना कैसा है इसके बारे में जानते हैं। सुबह सुबह अगर आप इसको लेते हैं, स्पेशली अगर हार्मोनल इम्बेलेंस किसी पर्सन को है, पीसीओएस की समस्या है या किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बेलेंस है और साथ में जोड़ों का दर्द भी है तो इसको सुबह सुबह अगर आप लेते हैं तो मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। 1 टीस्पून काफी है, 5 ग्राम के लगभग अगर आप इसको लेते हैं तो ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स देगी। आपकी स्किन को ग्लो करने का भी काम करती है, स्किन के दाग धब्बे झुर्रियां मिटाने में भी बहुत सहायक है। इसको बाहरी तौर पे भी लगाया जा सकता है जैसा आप जानते होंगे, आपने काफी सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे। इसको अगर आपको नींद की समस्या है, स्ट्रेस रहता है, तनाव बहुत रहता है और साथ में जोड़ों का दर्द है तो इसको आप अगर रात में देते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकते हैं क्योंकि ये रात को नींद भी अच्छी लाएगी आपको और आपके जोड़ों का दर्द में भी आराम मिलेगा। सेम है, 1 टीस्पून आप अगर लेते हैं 5 ग्राम के लगभग तो ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स देगी। पहली चीज तो हो गई आपकी फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। अब जो दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी जोड़ों के दर्द से निपटने में, उस चीज का नाम है अखरोट। कैसे लेना है अखरोट पहले इसके बारे में जान लेते हैं। अगर आप अखरोट लेना चाहते हैं अपने जड़ों के दर्द के लिए और मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप भीगे हुए अखरोट अगर लेते हैं तो ज्यादा फायदेमंद रहते हैं। 2 अखरोट आप रात को गला लीजिए पानी में, कुछ पानी में, और उसको अगर आप सुबह चबा चबा कर खाते हैं, खाली पेट खाते हैं तो आपके जोड़ों के दर्द में एक ही सप्ताह में बहुत सारा आराम मिल जाता है आपको। ये न केवल आपके नसों के ब्लॉकेज को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके दिमाग को तेज करने में भी बहुत मदद करता है, यहाँ तक कि शुगर को कंट्रोल करने में भी बहुत लाभदायक है। फाइबर इसके अंदर बहुत सारा होता है और आपके खून को भी पतला काम करने का काम करता है तो न केवल ये आपके ब्रेन को मजबूत बनाता है, दिमाग को मजबूत बनाता है बल्कि आपके दिल को भी मजबूत बनाने में बहुत हेल्पफुल रहता है क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं, इसलिए ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाने का काम करता है, आपके जोड़ों के दर्द में भी काफी राहत दिलाता है। इसके अलावा जो थर्ड चीज है जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए, अगर आपको जोड़ों के दर्द की समस्या रहती है, आप जोड़ों के दर्द से बहुत ज्यादा परेशान हैं और उसको पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, तो तीसरी जो चीज है उसका नाम है चिया सीड्स। चिया सीड्स न केवल आपका वजन कम करने में सहायक है बल्कि ये आपके जोड़ों के दर्द में भी कमी लाता है। चिया सीड्स को अगर आप
रात को भिगो देते हैं चिया सीड्स की भी आपको 1 से 2 चम्मच लेने की जरूरत होती है, इसको रात को भिगो देते हैं और सुबह आप लेते हैं तो ये आपको फाइबर से भरपूर होता है, आपके वजन को कम करने में भी मदद करता है, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, इसमें बहुत सारा कैल्शियम मैग्नीशियम होता है, बहुत सारा प्रोटीन, बहुत सारा खनिज लवण मिनरल्स जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारे विटामिन आपको मिलते हैं, जिससे ना केवल आपका वेट लॉस जो है वो ईजी रहता है बल्कि आपको न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं होती और आपके जो जॉइंट्स हैं उनको भी मजबूती मिलती है क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, तो ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाने में मदद करता है, साथ ही साथ आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, तो ये फिर से आपके दिमाग और दिल के लिए बहुत अच्छा है। तो ये न केवल आपके जोड़े को दर्द को खत्म करेगा, आर्थराइटिस की समस्या हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो, गाउट की समस्या हो, किसी भी समस्या की वजह से अगर आपको जोड़ों का दर्द हो रहा है, घुटनों में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको चिया सीड्स काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं, ये आपका वजन भी कम करने में मदद करते हैं, तो ये दोनों तरह से लाभदायक है आपके लिए, वजन भी कम करेगा और आपका जो जॉइंट पेन है उसको भी ये ठीक करेगा। लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान में देने लायक चीज़ है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अगर आपका वजन ऑलरेडी कम है और अगर आप ये चीज़ लेते हैं तो क्या वजन कम होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका वजन कम है तो ये आपके और वजन कम कर देगा, ऐसा नहीं है, ये वजन बढ़ाने का भी काम करते हैं, यानी कि इनका काम क्या है, ये जो फाइबर जो युक्त चीज़ें होती हैं और ये जो न्यूट्रिशियस चीज़ें होती हैं, ये क्या करती है कि आपकी बॉडी को फिट रखने में आपकी मदद करती है, अगर आपका वजन ज़्यादा है तो उसको कम करेगी और कम है तो उसको बढ़ाने का काम करेगी, ये इसकी सबसे अच्छी चीज़ें और इन चीज़ों के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, तो कोई भी पर्सन इन चीज़ों को लेकर इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा सकता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जिन लोगों का ब्लड पतला है या जिसको उनको ब्लीडिंग की समस्या रहती है बहुत ज़्यादा, जिनका खून ऑलरेडी पतला है, उन लोगों को इन चीज़ों का सोच समझ के काम में लेना चाहिए, बाकी कोई भी पर्सन इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो चौथी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है आपके जोड़ों के दर्द के लिए, वो एक पेय पदार्थ है। इस पेय पदार्थ में आपको क्या करना है, आपको हल्दी लेनी है, 1 टीस्पून के लगभग आप हल्दी ले लीजिए, और अगर आपको गर्मी रहती है, आपके शरीर में बर्निंग रहती है या आपको हल्दी सूट नहीं होती है या गर्मी वाली चीज़ें सूट नहीं होती, तो आप 1/2 टीस्पून से या 1/4 टीस्पून से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्या करना है, 1/4 टीस्पून के लगभग आप हल्दी ले सकते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करनी है स्वाद के अनुसार, आपको थोड़ी सी अदरक लेनी है, अदरक भी आप आपके स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्वांटिटी शुरू में कम रखिए, धीरे धीरे आप बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको सूट होती है तो, क्योंकि अदरक भी गर्म है रहती है और हल्दी भी गर्म रहती है, तो जिन लोगों को गर्मी की प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, वो लोग इस चीज़ का सेवन नहीं करें, बाकी लोग इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आपको इसमें मिलाना है 1 टीस्पून शहद, इसको आप इन सारी चीज़ों को 1 गिलास पानी में डाल लीजिए और उसको थोड़ी देर के लिए उबाल लीजिए, फिर इसको आप छान सकते हैं और छान के आप शायद इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये आपका वेट नहीं बढ़ाएगा, शायद बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, तो ये मिलाकर आप उसका धीरे धीरे सेवन कर सकते हैं। इसको आपको खाली पेट सुबह आप चाहें तो खाली पेट ले लें और चाहें तो आप रात को भी ले सकते हैं, किसी भी समय लें तो कोई नुकसान नहीं है इस चीज़ का। ये क्या है, अदरक और जो आपकी हल्दी है ये आपके लिए एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, और अदरक जो है खून को तेज़ी से पतला करने लगती है, जो भी ग्रीसीनेस होती है, जो भी चिकनाई होती है आपके शरीर में उसको कम करती है, जो चिकनाई आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है उस चिकनाई को कम करती है, और जो चिकनाई आपके शरीर को मजबूती देती है यानी आपके जोड़ों की जो चिकनाई है उसको कम नहीं करेगी डेफिनेटली, लेकिन आपके जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ होता है उसको कम करती है, आपके जॉइंट्स में नए जान लाने का काम करती है। इसके साथ आप इसके अंदर चाहें तो तुलसी के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 तुलसी के पत्ते आप इसको पीस के और ये भी इस ड्रिंक में शामिल कर सकते हैं चाहे तो, और नहीं करें तो ये ड्रिंक भी जो है वो काफ़ी सफिशियंट है, इस ड्रिंक को आप ले सकते हैं, दिन में सिर्फ एक बार लीजिए, कुछ समय तक अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहूँगी, कोई 1 या 2 दिन में बहुत ज़्यादा रिजल्ट देने वाली चीज़ नहीं है, इसको आपको लॉन्ग टाइम लेना पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 महीने अगर आप इसको यूज़ में लेते हैं तो आपको फिर इसके बेनिफिट्स अच्छे से नज़र आने लगते हैं, 1-2 दिन में इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, इसलिए इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ लॉन्ग टाइम तक यूज़ करें और इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स लें। कुछ ही समय आप ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं तो आपके जोड़ों के दर्द जो है, जोड़ों का जो कमज़ोरी है, आपकी हड्डियों की जो कमज़ोरी है, उसमें आपको लगने लगेगा कि स्ट्रेंथ आने लगी है और आपकी काफ़ी सारी तकलीफ निल रह जाएगी। तो यही था वीडियो जोड़ों के दर्द के बारे में कि क्या 4 चीज़ें लेके आप अपने जोड़ों के दर्द को कम कर सकते, कैसा लगा
जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगी इस टॉपिक पे रिसर्च करके वीडियो बनाने का। कोई क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।